अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज आज एक व्लॉग अभी एंड किया है, दूसरा अभी से शुरू कर भी लिया है। तो गाइज अभी जो है हम एक काम करवाने वाले हैं। ये देखें, ये रहे हमारे वो शराजी कबूतर, कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर ये दोनों। और अभी जो हम एक काम करने वाले हैं वो काम ये है, ये देख रहे हैं ना यार आप ये। तो गाइज़ आज जो हम वो काम करवाने हैं वो काम ये है कि ये जो बांस वगैरह देख रहे हैं ना यार, ये जाली थोड़ा यानी काम चलाओ काम है सिर्फ, इसको जो है हम पक्का करने वाले हैं। जैसे ये है ना ऐसा पक्का लोहे का वेल्डिंग का काम करवाएंगे अच्छे से, यानी इसको मास्टर केज, बड़ा सबसे बड़ा केज ये बनाएंगे अभी हम। कि यहाँ पर हम मुर्गियाँ रखेंगे, अभी तो सिर्फ हमारे पास देसी मुर्गियाँ हैं। आगे इंशाल्लाह मैं जो है जब एक दफ़ा केज रेडी हो जाए तो इसमें होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, क्या कहते हैं यार नहीं, गोल्डन बफ और भी होते हैं काफ़ी नस्लें मुर्गियों की, तो वो इंशाल्लाह सारी नस्लें यहाँ पर ला के रखेंगे। तो अभी जो है भाई आने वाले हैं जो काम करेंगे, वो मेजरमेंट लेंगे और फिर मैं और भाई जाएंगे और सामान लेके आएंगे, वो फिर काम शुरू कराएंगे। आज के आज ही इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा, ज़्यादा लंबा काम नहीं है, सिर्फ दीवारें बननी है क्योंकि इसकी छत की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी छत बनाएंगे जिसके नीचे सिर्फ ये लोग जो है बारिश के टाइम छुप सकें। तो अभी भाई का वेट करते हैं, वो जब आएंगे तो फिर मेजरमेंट लेते हैं और फिर जाते हैं सामान लेके आते हैं। तो गाइस सारा सामान ले लिया, ये देखें यहाँ पर जो है लोड हो गया, तो अभी लेके घर चलते हैं, यहाँ से कुछ और सामान ले रहे हैं। तो गाइस ये वाली जाली लेंगे साथ में, ये देखें ये वाली, ये भी छोटे साइज़ में, इसे बड़ा साइज़ भाई दिखाने वाले हैं। ये वाला है वो साइज़, देखें किसको हम तकरीबन, काफ़ी बड़ा जाल है ना तो काफ़ी बड़े साइज़ में हमें चाहिए, तो ये कटवा के फिर घर ही मिलेंगे अब सीधा। सामान वगैरह आ गया, काम वगैरह लग रहे हैं, और यहाँ पर जो है केज बनेगा इस तरह से पूरा। अभी पहले फ्रेम बन रहे हैं, फ्रेम बनने के बाद यहाँ पर ला कर उसको फिट किया जाएगा, तो फिट करने के बाद देखेंगे कि अभी किस तरह का लगेगा। तो काम वगैरह अभी चल रहा है, बाकी देखते हैं कब तक रेडी होता है। अभी तैयार हो रहा है पीछे, तो तब तक हम एक काम करवा लेते हैं, ये जो है ना ये ईंटें उठवा के अंदर लगवा लेते हैं, इनका फर्श बनवा लेते हैं, और जो अंदर गंद वगैरह है ना वो सारा हटवा देते हैं, ताकि जो है ना प्यारा से एक एरिया बन जाए मुर्गियों का भी। तो फटाफट पहले ये काम करवाते हैं, वो काम तो वहाँ बन रहा है, ये देखिए पूरी दीवार बन चुकी है, वो पूरी एक जो है ना एक तरफ की दीवार रेडी हो गई है, दूसरी अभी हो रही है। तो पहले ये काम करते हैं, तब तक वो वाला काम भी हो जाएगा। तो अभी सारी मुर्गियां जो है ना हम इधर ले आए हैं अपने तोतों के घर में, क्योंकि इन सब ने घास खा जानी थी। ओए ऐसे मत पकड़ो आराम से, और हम अब वो जाल लगाने वाले से इधर, तो उस वजह से सबको पकड़ के इधर डालना पड़ा। Regado pirarchi pirarchi ऐसे रात के 9 बज रहे हैं और मुर्गियां सारी यही यहां पर कोई यार ये स्टैंड तोड़ देंगी खाने वाला इनका, इनको भी मैं हटाता हूं यहां से। और काम अभी तक चल रहा है, बस देखते हैं कब तक खत्म होता है, एक साइड तो कंप्लीट हो गई है। तो गाइस जो छत हम बना रहे हैं उस छत के लिए ये वाली लकड़ियां हम लेके जा रहे हैं, ये फटे देखें, इस तरह से जो है छत पर बिछाएंगे ताकि जो है छत से पानी ना नीचे आए इनके। तो गाइस अभी शाम हो गई है, अंधेरा हो गया पूरा, देखें ऊपर फुल रात हो गई है। माशाल्लाह ये भी इतना बड़ा, ये भी
गाइस ये चेक करें, अभी काम आधा हो गया और आधा बाकी है। अभी यहाँ से जो है दोबारा एक कोट होगी पेंट की, क्योंकि अभी ये डार्क नहीं हुआ। नीचे देखें ना, यहाँ पर थोड़ा गंद वगैरह नज़र आ रहा है। एक और पेंट भाई तैयार कर रहे हैं, वो भी होगी तैयार। आज दूसरा दिन है और काफ़ी टाइम से लग गया है इसको बनने में। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा केस था इसके लिए। बाज़ारों में बहुत ही ज़्यादा खजल खुआरी हुई है, जिसे कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। अभी मगरिब का टाइम हो गया, मैं नमाज भी पढ़ लेता हूँ। और तू क्या कर रहा है? ये नहीं, लाइट को ऑपरेशन तो हो। मैंने कोई काम नहीं किया, तुम खुद किए थे थोड़ी देर पहले। स्मेल डाली हुई है इसने इतनी, अंदर शर्म नहीं आती? झूठ बोल रहा है, खुद ही करके मेरे में नाम डाल रहा है। इतनी गंदी बू है, झूठ पे झूठ। ये एक खाया क्या था तूने? क्या खाया है? इतनी गंदी बू, खाया क्या था? और उसके बाद जो है अभी आज ही इंशाल्लाह काम सारा ख़त्म हो जाएगा। पेंट भी हो गया और छत भी डल चुकी है, हमने हाफ छत बनवाई है। तो गाइज फाइनली सारा काम डन हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक जो रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। आपको मैं दिखाता हूँ, रुके ज़रा सब्र करो, चेक करे गाइज खूबसूरती देखें यार। माशाल्लाह पेंट भी साथ ही हो गया है, पूरी घास को खा डाली है हर एक पौधे को, और ये मैंने डाली। मुफ्त की क्रेडिट ले लेता है बगैरत इंसान। सारा काम मैंने किया, खाद वगैरह भी मैंने अभी डाली है। घास में खाद डाली है और इसको अच्छे से पानी भी लगा दिया है, फुल दिल भर के पानी दे दिया जितना मैं दे सकता था यार। मुर्गियाँ इस साइड पर रखी थी, मुर्गियों को भी शिफ्ट कर दिया उधर ही। इन्होंने बहुत ही तबाही की थी यहाँ पर। अभी मैंने इनको दाना भी डाल दिया, सारे बेचारे सुबह से भूखे थे, क्योंकि सुबह से मुर्गियाँ यहाँ पर थी ना, इस वजह से फिर इनको दाना भी नहीं डाल सके। बस यार अब तो अल्लाह करे कि जारी घास जल्दी से उग जाए। हाँ यार, हमारी घास बस एक दफ़ा उग जाए ना सारी, तो काफ़ी प्यारी लगेगी यहाँ पर। तो गाइस मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा आपको पेज। हाँ गाइस, कल इसमें भी डिज़ाइन करेंगे, जैसा ये डिज़ाइन है ना, ये मैंने खुद बनाया, इसमें भी कल करेंगे। तो अगली वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।